Swayam Prabha, Digital India, Educated India. नमस्कार मैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह सहायक प्राध्यापक विधि एवं शासन प्रणाली पीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया और मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो इस श्रम एवं औद्योगिक विधि भाग दो में आज हम जो व्याख्यान लेकर के प्रस्तुत हुए हैं उस व्याख्यान का शीर्षक है श्रमिकों कर्मचारियों की व्यावसायिक सुरक्षा की अवधारणा हम सभी जानते हैं कि जब कोई श्रमिक कोई कर्मचारी किसी कारखाना में काम करता है तो वह उस कारखाना में आ, जो जो आ, मशीन वगैरह यूज़ किए जाते हैं उपयोग किए जाते हैं उसके द्वारा उनकी स्वास्थ्य के लिए एक एक असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है तो ऐसी स्थिति में जो व्यावसायिक सुरक्षा की अवधारणा है उसी पर केंद्रित करते हुए यह व्याख्यान प्रस्तुत किया गया है इस व्याख्यान का मूल उद्देश्य कारखाना अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को जानना है इस व्याख्यान में हम कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के व्यावसायिक सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान को जानने का प्रयास करेंगे इस व्याख्यान में मशीनरी के उसके निकट कार्य करते समय सावधानियों को बरतने की क्या आवश्यकता है इसको जानने का हम प्रयास करेंगे इसके पश्चात खतरनाक मशीनों पर युवाओं के नियोजन के विनियमन के लिए क्या प्रावधान है उसका हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में हम कर्मचारियों की सुरक्षा के संदर्भ में बिजली काटने की जो युक्तियों का उपयोग किया जाता है उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे और उसके पश्चात फैक्ट्री में होइस्ट और लिफ्ट के उपयोग के क्या मानक हैं उस मानकों को समझने का प्रयास करेंगे कार्य के दौरान किसी कारखाना में कार्य के दौरान आँखों के बचाव के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं उन उपायों की हम चर्चा करेंगे इसके पश्चात विस्फोटक या फिर ज्वलनशील धूल गैस से बचाव के प्रावधान को हम जानने का प्रयास करेंगे और अंत में इस व्याख्यान में हम आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियाँ क्या क्या बरतनी हैं उसकी हम चर्चा करेंगे तो इस तरह से हम इस व्याख्यान में एक कारखाना के संदर्भ में किसी कर्मचारी के स्वास्थ्य के प्रति जो असुरक्षा पैदा होती है उस 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 असुरक्षा के माहौल में उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं उन उपायों की हम चर्चा करेंगे हम सभी जानते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में बड़े पैमाने पर कारखानों का निर्माण हुआ यह वो दौर था जब भारत में औद्योगिकरण का विकास हो रहा था और इस औद्योगिकरण के अधीन भारत में अनेक कारखानों का निर्माण हुआ कारखानों में श्रमिकों की सुरक्षा स्वास्थ्य और कल्याण के प्रावधान अपर्याप्त पाए गए यह देखा गया कि कारखानों की संख्या तो बढ़ रही है लेकिन कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए उनकी सुरक्षा के लिए या फिर उनके कल्याण के लिए उपयुक्त प्रावधान नहीं किए जा रहे हैं इस संदर्भ में भारत में 1948 में कारखाना अधिनियम 1948 बनाया जाता है इस अधिनियम के माध्यम से कारखानों में उचित प्रशासन के लिए जो उपबंध किए गए हैं उस उपबंध को हम विस्तृत में यहाँ पर देखेंगे लेकिन इस व्याख्यान में हम केवल उन्हीं उपबंधों पर केंद्रित करेंगे जो उपबंध सुरक्षा के दृष्टि से आवश्यक हैं स्वास्थ्य और कल्याण की दृष्टि से जो आवश्यक उपबंध हैं उसको हम अगले व्याख्यान में देखेंगे यह अधिनियम कारखानों में श्रम को विनियमित करने के लिए बनाई गई है किसी कारखाने में श्रम को कैसे विनियमित किया जाएगा उसके लिए राज्य हस्तक्षेप करता है कारखाना अधिनियम का निर्माण करता है और इस अधिनियम के माध्यम से राज्य कारखानों में श्रम के विनियमन को संचालित करता है हम सभी जानते हैं कि जब कारखानों की संख्या बढ़ रही है तो जो कारखानों में कार्य के विनिमय श्रम के विनिमन का जो मानक है उस वैश्विक मानक के संदर्भ में भारत में भी वो मानक निर्धारित किए जाने चाहिए और और उन मानकों के अनुरूप कार्य की दशाओं को या फिर स्वास्थ्य और कल्याण की दशाओं को कारखानों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए कारखाना में काम करने वालों के लिए उचित और एक सभ्य आजीविका का प्रबंध करना भी इस कारखाना अधिनियम 1948 का एक उद्देश्य है और, और इसी सभ्य आजीविका के संदर्भ में हम उन कर्मचारियों के स्वास्थ्य उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण के उपबंधों की चर्चा करेंगे किसी भी सामाजिक या औद्योगिक तनाव को कम करने का जो प्रयास है उस कारखाना अधिनियम में किया गया है और उस तनाव को कम करने का तात्पर्य यहाँ पर है कि उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों उनको उनके प्रति जो असुरक्षा की भावना है उसको कैसे दूर किया जाए और समाज सब में उनको सामंजस्य बनाने में कैसे सफल बनाया जाए जैसा मैंने कहा कि कारखाना अधिनियम 1948 का जो मुख्य उपबंध है जो उसका मुख्य उद्देश्य है वह कारखानों में काम करने की स्थितियों का विनियमन करना है और ऐसे में स्वास्थ्य की सुरक्षा या फिर कर्मचारियों के कल्याण का जो उपबंध है या फिर उनके लिए जो वार्षिक छुट्टी का प्रावधान है इसका विनियमित किया जाना बहुत आवश्यक है कारखानों में काम करने वाले युवाओं महिलाओं और बच्चों के संबंध में विशिष्ट उपबंध बनाए गए हैं जिससे कि इन 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 लोगों के स्वास्थ्य इन लोगों की सुरक्षा और इन लोगों के कल्याण को सुरक्षित किया जा सके ऐसी स्थिति में कारखाना अधिनियम कारखानों में कार्यरत श्रमिकों के व्यावसायिक सुरक्षा हेतु तो, विशेष प्रावधान बनाता है और इस व्याख्यान में हम उस आ, सुरक्षा की दृष्टि से जो विशेष प्रावधान बनाए गए हैं उन्हीं प्रावधानों पर केंद्रित करेंगे हम देखते हैं कि इस अधिनियम आधिन, में यह उपबंध किया गया है कि यदि किसी भी प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे एक अपराध माना जाएगा और दंड आरोपित किया जाएगा तो कारखाना अधिनियम के उल्लंघन में उसे एक अपराध की श्रेणी में रखने का तात्पर्य यह हुआ कि इस अधिनियम का उद्देश्य यह है कि एक जो अंतरराष्ट्रीय मानक है उस मानक के के आलोक में भारत में कारखानों में श्रम का विनियमन किया जा सके जहाँ तक दंड की व्यवस्था है वहाँ पर कारखाना अधिनियम के किसी उपबंध के उल्लंघन में कारावास जो एक वर्ष तक का हो सकता है या फिर जुर्माना जो एक लाख रुपए तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है अब इसी संदर्भ में हम इस व्याख्यान में कारखाने में कर्मचारियों के व्यावसायिक सुरक्षा पर केंद्रित करेंगे और व्यावसायिक सुरक्षा के लिए जो उपबंध बनाए गए हैं उन उपबंधों को विस्तृत में देखेंगे श्रमिकों की सुरक्षा हेतु विशेष प्रावधान हम सभी जानते हैं कि जब नियोक्ता के द्वारा कारखानों की स्थापना की जाती है तो उन कारखानों में निश्चित ही वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है लेकिन साथ ही साथ वह कारखाना वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक खतरनाक स्थिति भी पैदा करती है कारखानों में काम करना सामान्य काम करने के बराबर नहीं है कारखानों में काम करना खतरों के बीच में काम करने के समान है ऐसी स्थिति में जब कारखाना स्थापित किया जाता है तो नियोक्ता पर एक एक जिम्मेदारी अधिरोपित की गई है उस पर एक दायित्व तो अधिरोपित किया जाता है कि वह कौन कौन से प्रावधान करेगा जिसके माध्यम से कारखानों में आ, कर, काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा ऐसे में अगर हम कारखाना अधिनियम 1948 के उन प्रावधानों की चर्चा करें जिसमें सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं तो यह प्रावधान हमें आ, धारा 21 और और इसके बाद की धाराओं में मिलते हैं धारा 21 में मशीनरी पर बाढ़ लगाने की व्यवस्था की गई है जब बड़ी बड़ी मशीनें कारखाना में आ, कारखानों में लगाई जाती हैं और उस मशीनों को चालू करने के लिए या फिर उन्हें निर्देशित करने के लिए जो कर्मचारी वहाँ पर कार्य करते हैं वह खतरों के बीच में कार्य करते हैं और ऐसे में सुरक्षा के क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए जिससे कि कर्मचारियों को उन खतरनाक परिस्थितियों में सुरक्षित रखा जाए ऐसी स्थिति में धारा 21 के तहत प्रत्येक कारखाने को निम्नलिखित मशीनरी या फिर पर्याप्त निर्माण की बाढ़ लगाने की आवश्यकता बनाई गई है अगर हम देखें तो इसमें मूल गति उत्पादक का जो प्रत्येक गतिशील भाग है और प्रत्येक गति चालक चक्र है उसको उसके आसपास बाढ़ लगाने की आवश्यकता है अर्थात खतरनाक मशीनें जब ऑपरेशन में हैं जब वह चल रही हैं चालू अवस्था में हैं तो वहाँ पर इस तरह से एक एक बाड़ लगाया जाए कि वहाँ काम करने वाला कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से उस गतिशील मशीनों के सानिध्य में न आ पावे और उसे कोई शारीरिक क्षति ना हो ऐसी स्थिति में प्रत्येक जल चक्र और जल टर्बाइन की आवाही कुल्या और अन्य कुल्या को भी बाढ़ लगाने के अधीन रखा गया है जिससे किसी कर्मचारी को उससे उत्पन्न होने वाली खतरों से बचाया जा सके इसके बाद धार छड़ के किसी भाग पर जो खरात के अग्रधारक से परे निकल जाता है ऐसे स्थिति में कर्मचारियों को उससे बचाने के लिए भी बाढ़ की आवश्यकता पड़ती है विद्युत जनित मोटर या रोटरी कन्वर्टर का प्रत्येक भाग कर्मचारियों के लिए एक खतरनाक मशीन है अगर वहाँ पर कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो ऐसे कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कर्मचारी ऐसे मशीनों के नज़दीक ना पहुँच पाएँ ऐसे मशीनों से उनके पर्याप्त दूरी बनी रहे उसके लिए वहाँ पर बाड़ लगाया जाना आवश्यक है और धारा 21 के तहत बाड़ लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है इस धारा के अधीन किसी अन्य मशीनरी के प्रत्येक खतरनाक भाग पर बाढ़ लगाने की आवश्यकता को अधिपुत किया गया अर्थात धारा 21 के तहत एक सामान्य सी अवधारणा पर ध्यान केंद्रित किया गया है कि कारखाना में हर वह खतरनाक मशीन या फिर हर वह खतरनाक भाग जहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता है वहाँ पर पर्याप्त रूप से इस तरह से व्यवस्था की जाए कि कोई भी कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से किसी मशीन या उस खतरनाक चीज़ के सानिध्य में ना आवे और आ, कर्मचारी के जीवन के लिए कोई ख़तरा उत्पन्न ना हो हम सभी ये भी जानते हैं कि कारखाने में जो मशीन चल रही हैं उस मशीन के निकट जाकर के कार्य करना भी आवश्यक होता है उस मशीन की निगरानी के लिए उस मशीन के सुचारू संचालन के लिए मशीन के पास जा कर के कार्य करना आवश्यक होता है और ऐसी स्थिति में जब कोई कर्मचारी बाध्य है कि वह मशीन के पास जा कर के कार्य करेगा तो ऐसी स्थिति में उस कर्मचारी को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसकी सुरक्षा हेतु धारा 22 में प्रावधान किया गया है वह मशीनरी की गति से होने वाले या उस पर उसके निकट कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा की बात करता है जब भी मशीनरी चालू अवस्था में होती है और ऐसी अवस्था में उसका निरीक्षण किया जाना है उसका मरम्मत आवश्यक हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके निरीक्षण और उसके मरम्मत के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस चालू मशीन से जो कार्य कर रहा है किसी कर्मचारी के जीवन को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसके अलावा ऐसे कर्मचारी को चलती पुली पर बिल्ट नहीं संभालनी चाहिए जब तक कि अगर कोई कर्मचारी किसी कारखाने में किसी चलती हुई पुली पर कार्य कर रहा है तो उस पुली पर कार्य करने से लिए उसको तब तक सुरक्षित में नहीं माना जाएगा जब तक कि निम्नलिखित उपायों को ना कर लिया जाए इन उपायों में पहला उपाय है बेल्ट चौड़ाई में पंद्रह सेंटीमीटर से अधिक नहीं है अगर अगर सुरक्षा बेल्ट वहाँ पर लगाया गया है तो उस सुरक्षा बेल्ट का कम से कम पंद्रह सेंटीमीटर चौड़ा होना आवश्यक है बेल्ट संयुक्त और पुली रिम सहित अच्छी मरम्मत में हो उस बेल्ट को मरम्मत के माध्यम से निरीक्षण के माध्यम से उसे चालू अवस्था में रखा जाए और वह कर्मचारी के सुरक्षा के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सके पुली और किसी भी निश्चित संयंत्र या संरचना के बीच उचित निकासी हो जब मशीनें कार्य कर रही हैं तो मशीन कार्य करने के दौरान उस मशीन के आसपास जाने वाले कर्मचारियों के लिए एक पर्याप्त स्थान हो निकासी हो जिसके माध्यम से वो वहाँ से निकल सकें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें इसी के संदर्भ में पुली आमतौर पर ड्राइव के उद्देश्य के लिए हो अगर म, म, पुली वहाँ पर ड्राइव के उद्देश्य के लिए नहीं लगाया गया है वहाँ से कर्मचारी निकलने में सफल नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उस पुली का कर्मचारियों के सुरक्षा में कोई योगदान नहीं होगा और और कर्मचारियों के लिए असुरक्षा की एक स्थिति पैदा होती है तो ऐसे में हम देखते हैं कि धारा बाईस के अधीन गति में रहने वाली मशीनों के आसपास काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के क्या उपाय हैं उन उपायों की चर्चा की गई है इसके पश्चात हम देखते हैं कि जब भी मशीनरी चालू होती है तो मशीनरी के निरीक्षण मरम्मत की आवश्यकता के पश्चात कारखाना में काम करने के लिए एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है खतरनाक मशीनों पर काम करने के लिए खतरनाक मशीनों के पास काम करने के लिए केवल उन्हीं कर्मचारियों को अनुमति दी जानी चाहिए जो पर्याप्त रूप से इसके लिए प्रशिक्षित हैं और इसके लिए धारा बाईस में ही उपबंध किया गया है कि कारखाने में काम करने के लिए एक प्रशिक्षित विशेषज्ञ को नियुक्त किया जाना चाहिए और ऐसा प्रशिक्षित विशेषज्ञ तंग फिटिंग वाले कपड़े पहन कर के ही वहाँ जाए अगर ऐसा कोई विशेषज्ञ बहुत ढीलाढाला कपड़ा पहन करके मशीन के पास जाता है तो वह कपड़ा मशीन के संपर्क में आ करके उस उस कर्मचारी को नुकसान पहुंचा सकता है उसके लिए खतरा पैदा कर सकता है तो ऐसी स्थिति में ये जो साम्यधिक आवश्यकताएं हैं इन आवश्यकताओं को पूरा करके कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है कारखाने के मालिकों को किसी भी महिला या युवा व्यक्ति को मूल गति उत्पादक या किसी संचारण मशीनरी के किसी हिस्से को जब वो मूल गति उत्पादक या संचारण मशीन चल रही हो साफ करने उसकी चिकनाई या समुचित करने के लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ऐसी कोई भी मशीन जो गति की अवस्था में है जो गति के का कार्य करती है वहाँ संचालन होता है ऐसे मशीन से के नज़दीक महिलाओं और युवा कर्मचारियों को जाने से रोकना चाहिए भले ही वह कार्य साफ़ सफाई का ही क्यों न हो भले ही वकार चिकनाई या फिर समायोजन का कार्य क्यों न हो लेकिन ऐसे कार्य को करने से इन कर्मचारियों को रोकना चाहिए महिलाओं और युवा कर्मचारियों को रोकना चाहिए अर्थात यहाँ भी केवल और केवल उन्हीं कर्मचारियों को जाने की अनुमति दी जानी चाहिए जो प्रशिक्षित हैं और जिन्होंने तंग फिटिंग के कपड़े पहने हुए हैं जिससे कि उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके इसके पश्चात जहाँ तक युवा कर्मचारियों के नियोजन की बात है किसी कारखाने में जब किसी युवा को नौकरी दी जा रही है किसी युवा को नियोजन पर रखा जा रहा है तो वहाँ पर आवश्यकता यह है कि कारखानों में जो खतरनाक मशीनें हैं उन मशीनों पर युवाओं का नियोजन किया जाए या ना किया जाए कारखाना अधिनियम के धारा तेईस के अधीन खतरनाक मशीनों पर युवाओं का नियोजन विनियमित किया गया है अर्थात किसी भी कारखाना में जो खतरनाक मशीन है वहाँ पर युवाओं को जाने की स्वतंत्रता नहीं है कुछ ही दशाओं में युवाओं को वहाँ पर नियोजित करने के लिए छूट मिली हुई है किसी भी युवा व्यक्ति को किसी भी मशीन पर काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि उसे मशीन के संबंध में उत्पन्न होने वाले खतरे और बढ़ते जाने वाली सावधानियों के बारे में पूरी तरह से जानकारी और निर्देश न दिया गया हो अर्थात जब भी किसी युवा कर्मचारी को किसी खतरनाक मशीन के सानिध्य में लाया जाता है और और वहाँ पर कार्य करने के लिए उसे ले जाया जाता है तो धारा तेईस के उपबंधों के अनुसार उस युवा कर्मचारी जिसको अभी कोई अनुभव नहीं है उसकी सुरक्षा हेतु तो यहाँ पर धारा तेईस में यह उपबंध किया गया है कि ऐसा युवा कर्मचारी ऐसे खतरनाक मशीन पर काम तभी करेगा जब उसे खतरों के बारे में जानकारी दी गई हो और उसे क्या क्या सावधानियाँ बरतनी हैं उसकी जानकारी दे दी गई अर्थात पर्याप्त निर्देश देने के बाद या उस खतरे के बारे में पूरी जानकारी के जानकारी देने के पश्चात ही ऐसे युवा कर्मचारी को खतरनाक मशीन पर काम करने की अनुमति दी जाएगी इसके पश्चात यहाँ यह भी आवश्यकता है कि ऐसे मशीन पर काम करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त किया होना आवश्यक है अगर ऐसे मशीन पर काम करने के लिए उस युवा कर्मचारी को पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है तब युवा कर्मचारी को वहाँ पर नियोजन में नहीं रखा जाएगा खतरनाक मशीन पर काम करने से रोका जाएगा वह एक ऐसे व्यक्ति द्वारा पर्याप्त निगरानी में होगा जिसके पास मशीन का संपूर्ण ज्ञान और अनुभव है जब भी युवा कर्मचारियों को खतरनाक मशीन के सानिध्य में काम करने के लिए नियोजित किया जाता है तो ऐसे युवा कर्मचारियों को निर्देश सावधानी आदि बातों की सूचना देने के पश्चात भी एक और आवश्यकता है और यह आवश्यकता यह है कि ऐसा युवा कर्मचारी हमेशा और हमेशा एक जो अनुभवशील कर्मचारी वहाँ पर है उसके निगरानी में कार्य करेगा और यहाँ पर अनुभवशील व्यक्ति से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है जिसको उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी है और जिसे उस मशीन के चलाने का पूरा अनुभव है अर्थात यहाँ पर यह प्रयास किया गया है कि जब भी किसी युवा कर्मचारी को अनियोजन में रखा जा रहा है और उस युवा कर्मचारी को खतरनाक मशीनों पर कार्य करने के लिए लाया जा रहा है तो जब तक उस युवा कर्मचारी को पूरा अनुभव ना हो जाए कि यहाँ पर कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उसके लिए क्या क्या सावधानियाँ बरती जा सकती हैं और उसके लिए क्या क्या निर्देश दिए जा सकते हैं जब तक इन सारी बातों की जानकारी ना हो जाए तब तक उसे एक अनुभवजन्य कर्मचारी के पर्यवेक्षण में वहाँ पर काम करने के लिए ले जाया जाएगा और इस तरह से उस युवा कर्मचारी की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा इसके पश्चात इस अधिनियम की धारा 24 में बिजली काटने के लिए युक्तियों के उपयोग पर चर्चा की गई है हम सभी जानते हैं कि बिजली एक खतरनाक उत्पाद है और अगर कोई भी कर्मचारी इस बिजली के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो उसके जीवन के लिए बहुत बड़ी खतरा उत्पन्न हो सकती है तो बिजली से संबंधित सुरक्षाओं को सुनिश्चित करने के लिए उपबंध इस अधिनियम की धारा 24 में की गई है इस धारा के अनुसार प्रत्येक कारखाने में सभी कार्य छड़ों कक्ष कार्य कक्षों में चलने वाली मशीनरी से आपात स्थिति में बिजली काटने के लिए उपयुक्त उपकरण होने चाहिए अगर किसी कारखाना में जो कार्यकक्ष हैं जहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं जहाँ पर काम किया जा रहा है तो ऐसे हर कक्ष में आपात स्थिति में बिजली को काटने का उपकरण लगा होना चाहिए अगर बिजली के कारण कोई खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है बिजली के डायरेक्ट संपर्क में आने से प्रत्यक्ष संपर्क में आने से किसी कर्मचारी को कोई असुरक्षा उत्पन्न हो रही है तो ऐसी स्थिति में उस कार्यकक्ष में ही बिजली को काटने का उपबंध होना चाहिए और और इसके माध्यम से बड़े खतरे को रोका जा सकता है और कर्मचारियों को बचाया जा सकता है इसके उपरांत इस इस धारा में यह भी उपबंध किया गया है कि कारखानों के मामले में उन कारखानों के मामलों में जो इस अधिनियम से संबंधित नहीं हैं उन्हें केवल कार्यकक्ष में व्यवस्था करनी होगी जिसमें बिजली पैदा करने का उपबंध लगाया गया है अर्थात उन कारखानों में जहां पर बिजली का बहुत महत्वपूर्ण योग नहीं है वहाँ पर केवल और केवल उस कक्ष में कार्यकक्ष नहीं केवल उस कक्ष में बिजली को काटने का उपकरण लगाया जाएगा जो कि मेन कक्ष है बिजली की आपूर्ति के लिए अगर बिजली किसी कारखाने में उत्पादन के लिए एक साधन के रूप में नहीं यूज़ किया जा रहा है या ऐसे कारखाने जहाँ पर इस अधिनियम का उपयोग नहीं हो रहा है इस अधिनियम को लागू नहीं किया जाना है तो ऐसी स्थिति में केवल जो प्रमुख कक्ष है जहाँ से बिजली की आपूर्ति की जाती है उसमें अगर बिजली की कटौती के उपकरण लग जाता है तो इससे पर्याप्त माना जाएगा इसके पश्चात कारखाने को ड्राइविंग बेल्ट को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त हड़ताली गियर या अन्य कुशल यांत्रिक उपकरण प्रदान करना और बनाए रखना चाहिए हमें पता है कि बिजली के माध्यम से उसे स्थानांतरित करने के लिए कौन कौन से युक्तियां यूज का यूज की जा सकती हैं कौन कौन से युक्तियां उपयोग में लाई जा सकती हैं ऐसी युक्तियों के उपयोग पर केंद्रित करना चाहिए और उसके माध्यम से बिजली का हस्तांतरण करना चाहिए उपयोग में न होने पर ड्राइविंग बेल्ट को आराम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अर्थात जो जो, जो आ, सुरक्षा से संबंधित जो जो उपाय किए गए हैं वो उपाय हमेशा और हमेशा कार्य करने की या फिर आ, अपने आ, एक्टिव मोड में रहेंगे जिससे कि क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुर्घटना एक ऐसी घटना होती है जिसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकता तो ऐसी स्थिति में किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए जो भी आ, ड्राइविंग बेल्ट के उपकरण लगाए गए हैं उन ड्राइविंग बेल्ट के उपकरण को हमेशा और हमेशा ऑन मोड में रखा जाएगा इसके पश्चात इस अधिनियम की धारा 25 में स्वयं रूप से काम करने वाले स्वक्रिय मशीनों के उपयोग की चर्चा की गई है अब जब स्वकरी मशीनों का उपयोग किया जाएगा तो वहाँ पर कर्मचारियों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी कारखाने में स्व अभिनय करने वाले मशीन के पार करने वाले हिस्से को किसी भी निश्चित संरचना से कम से कम 45 सेंटीमीटर की दूरी के भीतर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी अर्थात यहाँ पर जो स्वचालित मशीनें हैं ऐसी मशीनों से कम से कम 45 सेंटीमीटर दूरी पर ही कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वहाँ पर इतना एक एक निश्चित दूरी बनाने की आवश्यकता है जिससे कि उस स्वक्रिय मशीनों स्व अभिनय करने वाली मशीनों के डायरेक्ट प्रत्यक्ष संपर्क में कोई अन्य व्यक्ति कर्मचारी या अन्य वस्तु वहां पर ना पहुंच पाए और कोई खतरा उत्पन्न ना हो इसके पश्चात जब हम कॉटन ओपनर्स के पास महिलाओं और बच्चों के रोज़गार की बात करते हैं तो जो कॉटन ओपनर्स हैं जहाँ पर कॉटन की प्रोसेसिंग की जाती है वहाँ पर कॉटन की प्रेसिंग की जाती है ऐसी जगह पर ऐसे कारखानों में महिलाओं और बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है और ऐसा प्रतिबंध केवल और केवल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से लगाया गया है कारखानों को कपास दबाने के लिए कारखानों के किसी भी हिस्से में किसी भी महिला या बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए जिसमें कपास खोलने वाला काम किया जा रहा है तो कपास से संबंधित जो उसके प्रेसिंग और प्रोसेसिंग का काम है वहाँ पर हम सभी जानते हैं कि कि ढेर सारे धूल और 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 अन्य आ, कड़ पैदा होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है तो ऐसे में ऐसी जगहों पर महिलाओं और बच्चों को नियोजन में नहीं रखा जाए और इसका केवल और केवल उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा है नई मशीनों का आवेष्टन नई मशीनों का आवेष्टन भी कर्मचारियों की सुरक्षा के दृष्टि से किया जाता है इस अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 26 के अनुसार किसी भी कारखाने में बिजली द्वारा संचालित और स्थापित सभी मशीनों में किसी भी घूमने वाले शॉफ्ट स्पेंडल व्हील पर प्रत्येक सेट स्क्रू बोल्ट या चाबी को इस तरह से डुबोया जाएगा घेर लिया जाएगा या अन्यथा प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाएगा कि खतरे को रोका जा सके तो यहाँ पर मशीनरी के आवश्यक से तात्पर्य है कि मशीनरी काम करते करते खुल करके कोई खतरा उत्पन्न ना करे तो उसको इस तरह से इंटरलॉकिंग करना है कि मशीनरी कार्य करते समय ऑपरेशन में रहते समय वह खुले ना और, और कोई खतरा उत्पन्न ना करे। इसके लिए यहाँ पर जो शॉफ्ट हैं जो स्पिंडल हैं जो व्हील हैं या जो प्रत्येक सेट स्क्रू हैं उस पर स्क्रू या बोल्ट लगा करके या चाबी के माध्यम से उसे लॉक करने की व्यवस्था का उपबंध किया गया है इसके साथ ही साथ सभी इस पर क्रीमी और अन्य दातेदार या घर्षण गियरिंग जिसे गति के दौरान लगातार समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है पूरी तरह से घेर लिया जाएगा जब तक कि इस तरह से स्थिर ना हो तो जब हम देखते हैं कि, कि किसी कारखाने में कोई स्पर कोई कृमि या अन्य दातेदार कोई इंस्ट्रूमेंट है जो घर्षण के माध्यम से कार्य कर रहा है जिससे गति के दौरान आकर्षण हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर कोई असुरक्षा की स्थिति पैदा न हो इसके लिए उसे पूरी तरह से घेर के रखा जाएगा और वहाँ पर किसी कर्मचारी को उसके प्रत्यक्ष संपर्क में आने से रोका जाएगा इसके पश्चात जब हम किसी कारखाने में होइस्ट और लिफ्ट के उपयोग की बात करते हैं तो उससे संबंधित जो सुरक्षा के उपाय किए गए हैं उसकी चर्चा इस अधिनियम की धारा 28 पे किया गया है इस अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत प्रत्येक होइस्ट और लिस्ट अच्छे यांत्रिक निर्माण या फिर मजबूत सामग्री और पर्याप्त ताकत का होना चाहिए जब किसी किसी जब कभी किसी कारखाने में कोई लिफ्ट यूज किया जा रहा है तो ऐसे लिफ्ट का निर्माण पर्याप्त सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रख करके बनाया जाना चाहिए और इन मानकों में ऐसे यांत्रिक निर्माण की मज मजबूती ऐसी यूज़ किए जाने वाले सामग्रियों की मजबूती और इनकी ताकत को ध्यान में रखा जाएगा ऐसे किसी भी होइस्ट और लिफ्ट को ठीक प्रकार से बनाए रखा जाएगा जिससे कि इसके माध्यम से कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए कोई असुरक्षा की स्थिति पैदा ना हो ऐसे किसी लिफ्ट और होस्ट में किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा हर छ महीने की अवधि में कम से कम एक बार पूरी तरह से जांच की जाएगी तो अगर कारखाने में किसी लिफ्ट का उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे लिफ्ट को हर छ महीने के भीतर किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा इसकी जांच की जाएगी और यह देखा जाएगा कि यह अब उचित स्थिति में है कि नहीं अगर जांच के दौरान यह पाया जाता है कि ऐसा कोई लिफ्ट या होइस्ट जो किसी कारखाने में उपयोग में लाया जा रहा है वहाँ पर ऐसे किसी उपकरण में कोई कमी है या फिर कोई त्रुटि है जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है तो जांच के दौरान उसे ठीक किया जा सकता है इसके साथ ही साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि धारा 28 के इस उपबंध का आ, आ, पालन किया जा रहा है कि नहीं लिफ्ट और होइस्ट का समय समय पर परीक्षण किया जा रहा है कि नहीं इसकी जांच की जा रही कि नहीं इसके लिए हर एक कारखाने को एक रजिस्टर रखना होगा जिसमें ऐसी परीक्षा का जो निर्धारित जो जो प्रविष्टियाँ हैं उसकी एंट्री की जाएगी उसका विवरण किया जाएगा अर्थात केवल यह आवश्यक नहीं है कि एक सक्षम व्यक्ति द्वारा लिफ्ट और होइस्ट की जांच की जाए जांच कब की गई है किसके द्वारा की गई है क्या कमियां पाई गई हैं क्या सुधार किए गए हैं ये पूरा जिक्र करते ये पूरा उपबंध करते हुए वहाँ पर विवरण के साथ रजिस्टर में उसको दर्ज किया जाएगा इसके साथ ही साथ जब हम होइस्ट और लिफ्ट के उपयोग की बात करते हैं होइस्ट और आ, लिफ्ट का उपयोग किसी भी कारखाने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है ऐसे गेट कोई भी लिफ्ट ऐसे गेटों से सुजस्थित एक घेरे द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा अगर लिफ्ट के द्वारा कर्मचारियों को कारखाने में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है तो जो होइस्ट या फिर जो वो केबिन होगा जो लिफ्ट होगा उसे गेट से सुसज्जित एक घेरे के द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाएगा और इसके साथ ही साथ किसी लिफ्ट पर अधिकतम कितना भार एक बार में ले जाया जाना है इसके लिए इस स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना आवश्यक है अधिकतम सुरक्षित कार्यभार स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा अर्थात अगर किसी आ, आ, लिफ्ट पर उसके कार्यभार से अधिक भार अधिरोपित किया जाता है तो वहाँ पर उस अधिक भार अध्योपण से एक असुरक्षा एक खतरा पैदा किया जा सकता है पैदा हो सकता है तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए ऐसे लिफ्ट और होइस्ट के जब उपयोग किए जा रहे हैं तो उस भार के मानक को भी ध्यान में रखा जाएगा और उस मानक के अनुरूप ही उस पर भार रखा जाएगा यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है ऐसे मानक भार से अधिक कोई भार नहीं उठाया जाएगा अर्थात अगर एक होइस्ट अगर अगर सामान को उठाने के लिए बनाया गया है और उसकी मानक क्षमता निर्धारित की गई है कि वह इतने मानक क्षमता या इतने वजन वाले इतनी भार वाले वस्तुओं को एक स्थान से उठा दूसरे स्थान तक रख सकता है तो उसे केवल और केवल उस भार के अंतर्गत वस्तुओं को ही उठाने की अनुमति होनी चाहिए अगर हम यहाँ पर उसकी क्षमता से अधिक भार उठाने के लिए उसका उपयोग कर कर रहे हैं तो ऐसे में सामान्यतः एक एक दुर्घटना होने का संभावना बन जाता है कि बन संभावना बन जाती है औ, और इस दुर्घटना के उपरांत कर्मचारियों के लिए वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य के लिए एक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो जाती है इसके साथ ही साथ व्यक्तियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक या लिस्ट के पिंजरे में प्रत्येक तरफ एक गेट लगाया जाएगा लिफ्ट में जहां पर व्यक्तियों को ले जाया जाना है जहां पर व्यक्तियों को ले जाने के लिए उसका उपयोग किया जाना है वहां पर एक पिंजरे के रूप में केबिन के रूप में आ, आ, वहाँ पर एक एक लिफ्ट का उपयोग किया जाएगा एक होस्ट का उपयोग किया जाएगा और उसमें प्रत्येक तरफ से दोनों तरफ से एक एक गेट लगाया जाएगा और इस गेट को लगाने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि किसी आवश्यकता की स्थिति में दुर्घटना की स्थिति में वह दोनों तरफ से कहीं से भी निकलने में सक्षम हो इसके साथ ही साथ प्रत्येक गेट पर एक इंटरलॉकिंग या अन्य कुशल उपकरण लगे होंगे गेट को कैसे लॉक करना है कैसे ओपन करना है इसके इंटरलॉकिंग के लिए एक एक सुनिश्चित उपकरण लगाया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक दुर्घटना की स्थिति में उसे कैसे और किन परिस्थितियों में आसानी से खोला जा सके और और वहाँ से निकला जा सके इसके पश्चात यह सुनिश्चित करना कि गेट पर तब तक गेट को तब तक नहीं खोला जा सकता है जब तक कि पिंजरा लैंडिंग ना करे या पिंजरे को तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि गेट बंद ना हो जाए तो यहाँ पर यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी लिफ्ट तब तक मूव नहीं करेगा तब तक वह अप एंड डाउन या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगा जब तक कि उसको पर्याप्त रूप से लॉक ना कर दिया गया हो अगर ऐसा कोई पिंजरा लैंड करके ऊपर से नीचे आ रहा है तो पिंजरे को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि गेट बंद ना हो गया हो ये सारी जो जो आवश्यकताएं हैं वो आवश्यकताएं है केवल और केवल कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाई गई हैं अगर ऐसी सुरक्षा के उपायों को नज़रअंदाज किया जाता है तो किसी भी कारखाने में एक दुर्घटना हो सकती है और उस दुर्घटना के ऊपर रात वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक असुरक्षा की स्थिति पैदा हो सकती है तो उस असुरक्षा की स्थिति से बचने के लिए इन इन उपकरणों का उपयोग किया जाना बहुत ही आवश्यक है इसके साथ ही साथ व्यक्तियों को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले होस्ट और लिस्टों पर अतिरिक्त आवश्यकताएं लागू होंगी जहां तक आ, सामान को ले जाने की बात है जहाँ तक माल को ले जाने की बात है वहाँ उसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यकता के मानक अलग हैं लेकिन जहाँ पर व्यक्तियों को आ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए होइस्ट और और लिफ्टों का उपयोग किया जाना है तो इसके लिए सुरक्षा के कुछ अतिरिक्त मानक यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं और इन मानकों का पूरा किया जाना आवश्यक है जिससे कि कर्मचारियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। इसमें जहाँ पिंजरे को रस्सी या चेन द्वारा समर्थित किया गया है वहाँ पिंजरे और संतुलन वजन के साथ अलग अलग जंजीरों की कम से कम दो रस्सियाँ जुड़ी होनी चाहिए और प्रत्येक रस्सी या चेन अपने संलग्न के साथ सक्षम रूप से जुड़ी होनी चाहिए यहाँ पर लिफ्ट और होस्ट की सुरक्षा के लिए वहाँ पर उसे जंजीरों से बांधने और 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 यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया गया है कि कोई भी लिफ्ट या फिर कोई भी होस्ट दुर्घटना की स्थिति में स्वचालित रूप से कोई खतरा उत्पन्न ना करे इसके साथ ही साथ पिजरे का पूरा भार उसके अधिकतम भार के साथ उठाया जाना चाहिए अगर उस पिंजरे का उस लिफ्ट का वह भाग जिसमें कर्मचारी एक स्थान बैठ कर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेंगे तो ऐसी स्थिति में पिंजरे का पूरा भार उसके अधिकतम भार के साथ उठाया जाना चाहिए अगर पिंजरे को अधिकतम भार के साथ उठाया जाएगा तो पिंजरा नीचे गिरने के की संभावना उसकी कम होगी उसे नीचे आने की संभावना कम होगी और कर्मचारी एक आ, आ, तल से दूसरे तल पर सुरक्षित ढंग से पहुंच पाएंगे यहां पर रस्सियों जंजीरों और जुड़ाओं के टूटने की स्थिति में पिंजरे को उसके अधिकतम भार के साथ सहारा देने में सक्षम कुशल उपकरण उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है तो जब एक पिंजरे को उसके भार के साथ रस्सी और, और आ, अन्य माध्यमों से कनेक्ट किया गया है तो उसको इस तरह से कनेक्ट किया जाना चाहिए कि वह उपकरण सक्षम हो और कुशल तरीके से कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करे और और सुरक्षित रखे इसके साथ ही साथ पिजरे को ओवर रनिंग से बचाने के लिए एक कुशल स्वचारित उपकरण प्रदान किया जाएगा उसका रखरखाव किया जाएगा जो पिजरे हैं लिफ्ट के वो पिजरे जिसमें बैठ कर के कर्मचारी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है उसके ओवर रनिंग से बचाने के लिए एक कुशल स्वचालित उपकरण प्रदान किया जाएगा और उसके माध्यम से वहाँ पर कर्मचारियों की सुरक्षा का उपबंध किया जाएगा इसके साथ ही साथ उत्थापक यंत्र जंजीरें रस्सियाँ और टैकल का उपयोग किया जाना अगर हम धारा 29 को देखें तो धारा तीस में उत्थापक यंत्र जंजीरें रस्सियों और उत्थापक टैकल के उपयोग किए जाने की आवश्यकता है उत्थापक यंत्र जंजीरें रस्सियाँ और उत्थापक टैकल हमेशा और हमेशा अच्छी बनावट ठोस सामग्री और पर्याप्त शक्ति के होने चाहिए और दोषों से मुक्त होने चाहिए अर्थात उद्योगों में यूज होने वाले कारखानों में यूज होने वाले मशीनों में जो यंत्र लगाए जा रहे हैं जो जंजीरें यूज की जा रही जो रस्सियाँ यूज की जा रही हैं किसी एक निश्चित उद्देश्य के लिए उन उद्देश्यों हेतु उन्हें पर्याप्त रूप से टैकल होना चाहिए इसके साथ ही साथ इन उत्थापक यंत्रों का जंजीरों का रस्सियों का और टैकलों का उचित रखरखाव किया जाना चाहिए केवल इनका उपयोग ही नहीं इनका उचित रख रखाव भी किया जाना आवश्यक है जिससे कि यह एक सुरक्षित स्थिति में हो और इनसे कोई असुरक्षा पैदा ना हो और ऐसे यंत्रों की स्थिति में वर्ष में कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति द्वारा इसकी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए अर्थात जब ऐसे मशीन कर कारखानों में उपयोग लाए जा रहे हैं जहाँ पर उत्थापक यंत्र हैं यहाँ पर जंजीरें उपयोग में लाई जा रही हैं रश्मियाँ उपयोग में लाई जा रहे हैं टैकल करने के उद्देश्य से तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उस कारखाने में यह आवश्यक है कि साल में एक बार कम से कम एक बार किसी सक्षम व्यक्ति के द्वारा इन सभी यंत्रों की जाँच की जाए और इसकी आवश्यकता यह भी है कि इस जांच के पर्पस के लिए एक रजिस्टर रखा जाएगा जिसमें ऐसे प्रत्येक परीक्षण के जो विशिष्टियाँ होंगी जो विवरण होंगे, उसको उसमें लिखित किया जाएगा इससे एक एक, 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 एक एक दस्तावेज होगा जिसके माध्यम से जिसके आधार पर जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होता है वह यह पता लगा सकता है कि किसी कारखाने में वहाँ पर जो संचालित की जाने वाली मशीनें हैं वहाँ पर यूज़ किए जाने वाले जो यंत्र हैं उन यंत्रों को आ, आ, सुचारू रूप से आ, या फिर उचित अवस्था में रखा गया है या नहीं रखा गया है उनको जांच की गई है कि नहीं की गई है इसके पश्चात इस अधिनियम में धारा तीस के अंतर्गत परिक्रामी मशीनरी की बात की गई है और प्रत्येक कारखाने में जहाँ पर परिक्रामी मशीनरी जो घूमने वाली मशीनें होती हैं प्रत्येक कारखाने में जहाँ घूमने वाली मशीनरी स्थापित की गई हैं उसके पास अधिकतम सुरक्षित कार्य गति का संकेत देने वाला नोटिस रखा जाना चाहिए परिक्रामी मशीनें जो जो जो, जो पा घूमने वाली मशीनें हैं जब वो कार्य कर रही हैं तो वहाँ पर किस गति से उन्हें कार्य करना है जिससे कि वह अपनी लिमिट में रह कर के अपने निश्चित सीमा में रह करके एक सुरक्षित स्थिति को बनाए रखें उसकी एक सूचना वहाँ पर दी जाएगी जैसे कि वहाँ पर कार्य करने वाला जो कर्मचारी हो उसे यह पता हो कि इस मशीन को अधिकतम किस गति से या फिर किस किस स्थिति में इसे संचालित किया जाना है परिक्रामी मशीनरी के कंटेक्स में प्रत्येक कारखाने में या सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपा उपाय किए जाएंगे कि बिजली द्वारा संचालित प्रत्येक घूमने वाले पोत पिंजरे टोकरी फ्लाई व्हील पुली डिस्क या इस तरह की उपकरणों की सुरक्षित काम करने वाली परिधि गति निर्धारित सीमा से अधिक न हो जहाँ पर इन इन आ, मशीनों का उपयोग किया जा रहा है उन मशीनों के लिए आवश्यक है कि ये मशीनें अपने जो वैज्ञानिक तरीके से इनकी जो गति निर्धारित की गई है उस गति के अधीन ही कार्य करें ऐसा ना हो कि ये मशीनें इस गति के आ, की जो सीमा है उसके ऊपर जाकर के कार्य कर रही हैं और इसके माध्यम से एक असुरक्षा की स्थिति पैदा होती है कार्य के दौरान आँखों का बचाव कुछ कारखानों में जहाँ पर आ, अनेक प्रकार की गैसें धूल या और पदार्थ वहाँ पर प्रसारित किए जा रहे हैं जो कि वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की आँखों के लिए एक असुरक्षा की स्थिति पैदा कर सकती हैं तो ऐसी स्थिति में उन कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु तो, आँखों की उन बचाव हेतु तो, उपाय किए गए हैं ऐसा उपाय कार्य के दौरान आँखों के बचाव का उपाय इस अधिनियम की धारा पैंतीस में की गई है कारखाने जो इस तरह की विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हैं जहाँ प्रक्रिया के दौरान फेंके गए कड़ों या टुकड़ों से आँखों को चोट लगने का खतरा है या फिर अत्यधिक रोशनी के कारण आँखों के लिए खतरे की स्थिति पैदा होती है खतरा बनता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर आँखों के बचाव का उचित उपबंध किया जाना आवश्यक है ऐसे मामलों में काम के दौरान चश्मे या स्क्रीन का उपयोग करने की मजबूरी होती है अगर ऐसी स्थिति में कार्य करने वाला कर्मचारी अपनी आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मों या फिर स्क्रीन का उपयोग नहीं करता है तो उसकी आँख को एक असुरक्षा हो उस सकती है और उसकी रोशनी को नुकसान पहुंच सकता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आवश्यकता यह है कि जो नियुक्ता है नियुक्ता ऐसे कर्मचारियों को चश्मे प्रदान करेगा नियुक्ता के द्वारा ऐसे कर्मचारियों को चश्मे प्रदान किए जाएंगे अर्थात यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि सुरक्षा से संबंधित जो उपाय किए जाने हैं उन उपायों के लिए जो 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 प्रावधान किए गए हैं उसके तहत नियोक्ता पर ही एक एक जिम्मेदारी सौंपी गई है आँखों की स्थिति में अगर अगर आँखों को कोई असुरक्षा पैदा होती है तो उससे बचाव के लिए जो उपाय किए गए हैं उस उपायों के तहत कर्मचारी को जो चश्मा प्रदान किया जाता है वह नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया जाएगा साथ ही साथ कर्मचारी को उस नुकसान के बारे में सूचित किया जाना चाहिए जो काम करते समय किसी लापरवाही के कारण हो सकता है तो तो कर्मचारी की सुरक्षा हेतु तो उस निश्चित परिस्थिति में जहाँ पर वह कर्मचारी कार्य कर रहा है उस निश्चित परिस्थिति में लापरवाही करने से कौन कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं कौन कौन से खतरे उत्पन्न हो सकते हैं उन परिस्थितियों की उन खतरों की पूरी की पूरी जानकारी कर्मचारियों को दी जाएगी इसके पश्चात इस अधिनियम में कारखानों में यूज होने वाले विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस से बचाव के उपबंध किए गए हैं विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस या अन्य चीज़ों से बचाव हेतु तो जो उपबंध किया गया है वह उपबंध कारखाना अधिनियम 1948 की धारा सैंतीस में किया गया है फैक्ट्री में उत्पादन की प्रक्रियाओं में ज्वलनशील गैसों का उपयोग होता है और ऐसी ज्वलनशील गैसों से विस्फोट भी हो सकते हैं तो जब किसी उद्योग में ज्वलनशील गैसों का उपयोग किया जा रहा है और उन गैसों के उपयोग से एक एक विस्फोट की स्थिति पैदा हो सकती है तो वहाँ पर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है कि पूरी सुरक्षा के साथ ऐसे गैसों का उपयोग किया जाए क्योंकि अगर इन गैसों का रिसाव होता है तो ऐसे में विस्फोट होगा और विस्फोट के पश्चात विभिन्न प्रकार की असुरक्षा की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं तो ऐसे में वहाँ पर जो जब गैसों का उपयोग हो रहा है तो उसको बहुत ही प्रिकॉशन के साथ बहुत ही सुरक्षा के साथ उपयोग किए जाने की आवश्यकता है इसे रोकने के लिए कारखानों को अपने प्लांटों को घेरना चाहिए यहाँ पर इस इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि किसी भी कारखाने का वह प्लांट वह भाग जहाँ पर ऐसे खतरनाक गैसों का यूज़ किया जा रहा है उस प्लांट को इस तरह से घेर दिया जाए कि अगर गैस का रिसाव हो और गैस के रिसाव के पश्चात कोई विस्फोट की स्थिति बनती है तो ऐसे में उसका जो 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 नुकसान हो वह उस भाग से बाहर न निकले या उस भाग के बाहर के कर्मचारियों या अन्य क्षेत्रों में वह ना फैले इस तरह हम देखते हैं कि कारखाना अधिनियम में यह उपबंध किया गया है कि किस तरह से ख़तरनाक गैसों के उपयोग होने की स्थिति में विस्फोट से उन्हें बचाया जा सके अगर ऐसे सुरक्षा उपाय नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो जो विस्फोट की अगर स्थिति बनती है तो उसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा और, और कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो आसपास के क्षेत्र में रह रहे हैं उन्हें इससे नुकसान पहुंच सकता है इसके पश्चात हम ये भी देखते हैं कि धूल धुआं या वाष्प संचय को हटाने का भी उपबंध किया जाना चाहिए अगर किसी कारखाने में धूल बहुत ज़्यादा पैदा होता है धुआं बहुत ज़्यादा पैदा है वहाँ पर वाष्प का बहुत ज़्यादा संचयन होता है तो यह एक तरह से कर्मचारियों के लिए एक असुरक्षा की स्थिति पैदा करते हैं तो ऐसी स्थिति में जो ज्वलनशील प्रज्वलनशील स्रोतों को बाहर रखने का बंद किया जाना चाहिए और उच्च दबाव वाले भागों को तब तक नहीं खोलना चाहिए जब तक कि गैस या वाष्प प्रवाह को रोक नहीं दिया जाता है और बंधन को सुरक्षित किया जाना चाहिए इस प्रकार से हम देखते हैं कि धारा सैंतीस के तहत जब विस्फोट विस्फोटक या ज्वलनशील गैसों का उपयोग किया जा रहा है जो कि विभिन्न प्रकार के कारखानों में किया जाना आवश्यक है और और वहाँ पर उस कारखानों के लिए अपरिहार है कि वह उन खतरनाक गैसों का उपयोग करेंगे ऐसी स्थिति में विस्फोट अगर गैस का रिसाव होता है तो विस्फोट की स्थिति बन सकती है और विस्फोट होने पर वहाँ के कर्मचारियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को एक असुरक्षा आ, 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 पैदा हो सकती है ऐसी स्थिति से बचने के लिए इस अधिनियम में ये आवश्यकता की गई है कि कैसे उन गैसों के उपयोग के दौरान बहुत ही सतर्कता के साथ उनका उपयोग किया जाना है और साथ ही साथ यह भी एक एक, एक प्रिकॉशन लेना है कि अगर इन गैसों का रिशाव हो जाता है और यह गैसें विस्फोट की स्थिति पैदा करती हैं तो अगर ऐसी कारखाने के उस भाग को अगर घेरा गया है तो विस्फोट का प्रभाव बाहर नहीं निकल पाएगा बाहर नहीं फैल पाएगा और हाँ अधिकतम लोगों को इससे इसकी इस खतरनाक परिणाम से बचाया जा सकता है इसके पश्चात हम देखते हैं कि आग लगने की दशा में पूर्व सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है जिसकी जिसका जिसकी चर्चा अधिनियम की धारा अड़तीस में की गई है प्रत्येक कारखाने में आंतरिक और बाहरी रूप से आग के प्रकोप को रोकने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि उस उस कारखाना में ढेर सारे ज्वलनशील पदार्थ हैं अगर उससे बचना है तो उनको हमको रोकना पड़ेगा इसके साथ ही साथ आग बुझाने के आवश्यक उपकरण और सुविधाओं को वहाँ पर उपयोग में लाना चाहिए कारखाने में श्रमिकों को अग्निशमक समक, समक यंत्रों के उपयोग के प्रॉपर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए उनकी इसकी जानकारी हो जिससे कि किसी दुर्घटना की स्थिति में वह उसे उपयोग करके आग पर नियंत्रण कर सके, उस पर काबू ला सके, और अंत में हम देखते हैं कि इस व्याख्यान में हमने कारखाना अधिनियम के मुख्य उद्देश्यों को समझा और इस मुख्य उद्देश्य में सुरक्षा का एक उद्देश्य बहुत ही प्रमुख उद्देश्य है कारखाना में कार्यरत श्रमिकों के व्यावहारिक सुरक्षा हेतु तो विशेष प्रावधान को हमने समझा हमने इस व्याख्यान में मशीनरी के निकट कार्य करते समय सावधानियां बरतने की जो आवश्यकता है उस आवश्यकताओं को देखा इसके पश्चात हमने खतरनाक मशीनों के, के साथ काम करने के लिए नियोक्ताओं का जो युवा नियुक्त कर्मचारी हैं उनको कैसे विनिमित किया जा रहा है इसको देखा और कपास के प्रोसेसिंग और उसके प्रेसिंग में महिलाओं और बच्चों को दूर रखने का जो प्रावधान है उसको भी यहाँ पर हमने समझा हमने इस व्याख्यान में यह भी देखा कि कैसे महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए खतरनाक कारखानों से दूर रखा गया है या फिर वहाँ पर कोई आग लगने की स्थिति बनती है विस्फोट की स्थिति बनती है तो वहाँ पर कैसे नियंत्रण लाया जाएगा उसके लिए जो विभिन्न उपाय किए गए हैं उस उपायों की हमने यहाँ पर चर्चा की हमने इस व्याख्यान में मुख्य रूप से कर्मचारियों के सुरक्षा हेतु जो जो उपाय किए जाने की आवश्यकता है उन आवश्यकताओं पर हमने विस्तृत चर्चा की धन्यवाद